हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ, जो कि बड़ी ही रिच और बहुत ही टेस्टी है, जिसे आप किसी भी पार्टी में बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये है पनीर मटर मखाना की सब्ज़ी। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में और देखते हैं मैं इसे कैसे बनाती हूँ। लेट्स गो। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे एक कढ़ाई, तो हम इसमें अपने मखाने को पहले रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाला है 1 स्पून देसी घी और मैंने यहाँ पे 1 बाउल मखाना लिया है, जिसे हम रोस्ट कर लेंगे। तो हमने इसे रोस्ट कर लिया है और हम इसे अलग प्लेट में निकाल के रख देंगे। अभी हमने उसी पैन को वापस से रखा है, उसमें हमने ऑयल डाला और हमने 2 ओनियन को मोटा मोटा कट करके रख दिया था। अब हम उसे डाल लेंगे, 2 टुकड़ा जिंजर का और 4-5 कलियाँ गार्लिक यानी लहसुन की। इन सबको थोड़ी देर के लिए कुक होने देते हैं। जैसे इनका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो बस हम ऐड कर देंगे उसमें कट किए हुए 2 टमाटर। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसे ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। तो अभी ये सॉफ्ट हो गए हैं, हम इन्हें बाहर निकालेंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे और उसके बाद डालेंगे अपने मिक्सर जार में और एक अच्छा सा पेस्ट रेडी करेंगे। तो चलिए उसी कढ़ाई में मैं लूँगी थोड़ा सा और ऑयल ऑयल को गर्म होने देते हैं। और यहाँ पे मैंने डाला जीरा, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता। यहाँ पे आप खड़े मसाले अपने मन मुताबिक भी ले सकते हैं। ये जैसे ही थोड़े से लाल हो जाएंगे तो हमने अपना जो पेस्ट रेडी करके रखा है बस उसे डाल देंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर इन्हें चलाएंगे, उसके बाद हम इसमें अपने बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड कर लेते हैं 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून गरम मसाला, 1/2 से थोड़ा कम रेड चिली पाउडर, यहाँ पे चिली आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। बस अब इन सबको मिक्स करेंगे और मसाला जब तक तेल से अलग नहीं हो जाता तब तक हम इन्हें ढक के पकाएंगे। और ऐड करेंगे अपने सबसे इम्पॉर्टेंट मसाले सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस अभी इसे ढक लेते हैं और इसे अच्छे से कुक होने देते हैं। हाँ, बीच बीच में चेक जरूर करते रहिएगा कहीं मसाले जल ना जाए। मैं अभी इसे चेक कर लेती हूँ। तो अभी ये थोड़ा ही कुक हुआ है, अभी इसे थोड़ा कुक करना बाकी है। अभी हम इसे वापस से ढक देते हैं। अभी देखिए ये कुक हो गए हैं, ऑयल जो है वो मसालों से अलग हो रहा है। तो इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी 1 बाउल मटर, क्योंकि मटर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं मटर को थोड़ा पहले डाल दूँगी,
क्योंकि पनीर और मखाना को तो ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ता, तो इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के कुक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो अभी आप देखिए, चेक कर लेती हूँ, मेरी मटर थोड़े थोड़े कुक हो गए हैं। और मसाले भी इनके साथ कुक हो रहे हैं। मैंने इसे वापस से ढक दिया और अभी फिर चेक करती हूँ। अभी मटर जो है कुक हो गया है और मसाले भी बहुत अच्छे से रेडी हैं। तो बस यहाँ पे मैं ऐड करूँगी पनीर जो मैंने कट करके रखा है और मखाने जिसे मैंने पहले ही रोस्ट कर लिया था। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मैंने ली है घर की फ्रेश क्रीम, फ्रेश मलाई। आप यहाँ चाहें तो मार्केट से भी क्रीम ला कर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून घर का फ्रेश मलाई डाला है और बस इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उतना वाटर ऐड करिए, बट इसको बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है क्योंकि ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतला इसका अच्छा नहीं लगता। तो बस हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे। ये देखिए, ये पूरी तरह से पक गई है और सब्ज़ी का कलर और टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। तो सब्ज़ी हमारी बन के रेडी है। तो चलिए चलते हैं सर्व करने के लिए। आप इस सब्ज़ी को बनाइए, आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। देखिए, मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और उसमें मैं अपनी सब्जियों को सर्व कर रही हूँ। गार्निशिंग के लिए मैं लूँगी कोरिएंडर लीफ यानी धनिया की पत्ती। बस इसमें थोड़ी थोड़ी धनिया की पत्ती डालेंगे और ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसे कब पूड़ी, पराठे या रोटी के साथ आप इंजॉय करिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ।